नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 5 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, इस राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 5 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपकी राशि के सप्तम भाव यानी आपके वैवाहिक भाव पर इस समयावधि में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। आपके प्रथम भाव में शुक्र और बुध की मौजूदगी रहने वाली है। इसमें बुध देव का जो परिवर्तन है, बुध 5 अगस्त को ही वक्री हो जाएंगे और ये 22 अगस्त को परिवर्तित होने वाले हैं। शुक्र का भी परिवर्तन होने वाला है। शुक्र आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो 26 तारीख को ये आप कन्या में जाएंगे यानी आपके सेकंड हाउस पे जाने वाले हैं। इस पूरे महीने राहु देव आपके अष्टम घर में, वही केतु देव आपके सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति सिंह राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है और देवगुरु की अवस्था जो रहने वाली है वो आपके दशम भाव में मंगल के साथ रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना करियर के मामले में मिलने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपकी राशि के कर्म भाव में गुरु और मंगल की युति इस समयावधि में रहने वाली है और साथ में आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो 15 तारीख तक आपके द्वादश भाव पर रहने वाले हैं। करियर के मामले में आपको 15 अगस्त तक मिला जुला परिणाम मिलने वाला है और 15 तारीख को आपकी राशि के स्वामी जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति के अवसर कई प्रकार से मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की मौजूदगी जो आपके कर्म भाव पर बनी हुई है, इसकी वजह से इस समयावधि में सिंह राशि के ऐसे जातक जो बृहस्पति जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इस समयावधि में ऐसे जातक जो धार्मिक क्रियाकलापों में जिन जातकों का जुड़ाव है, यदि आप कथावाचक हैं, कर्म कांड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, राजनीति, शिक्षण संस्थान, पुरोहित, प्रबंधन के क्षेत्र में या वर्तमान समय में यदि आप कॉपी किताब बेचने का काम करते हैं, लकड़ी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ में ऐसे जातक जो इस समयावधि में मंगल से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। यदि आप इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बिजली से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, रसायन शास्त्र, सर्जरी, फायर ब्रिगेड, इन सभी क्षेत्रों में जो जातक काम करते हैं उनके जीवन में भी शुभता मिलने वाली है। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यह समय आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है।
और शनि आपके सप्तम भाव में पूरे महीने भर वक्री अवस्था में विराजित रहेंगे। ऐसे में आपको पार्टनरशिप से जुड़ी हुई समस्याएं भी मिलने वाली है। पार्टनरशिप में जिन जातकों का जुड़ाव है आपको समझदारी पूर्वक चलना है। आर्थिक मामलों में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों जो आपके धन भाव के स्वामी हैं बुधदेव, वो आपके प्रथम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाकर वक्री अवस्था में 5 तारीख से गोचर करने वाले हैं। 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपका प्रथम भाव कई ग्रहों के द्वारा प्रभावी है और आपका 11th हाउस भी प्रभावी बन रहा है। आपके जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना मिलने वाली है। मंगल का प्रभाव आपके लिए आपकी आमदनी में बचत और आपको निरंतर आमदनी में प्रगति की स्थितियों को निर्मित कराने वाला है। आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप किसी प्रकार का भूमि भवन वाहन यानी भौतिक सुखों से जुड़ी हुई यदि आप किसी भी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक तौर पर समय आपके जीवन में मिला जुला रहने वाला है। बुधदेव आपके प्रथम भाव में शुक्र के साथ वक्री अवस्था में 22 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो यहां पर देखिए 22 अगस्त तक का जो समय आपके लिए है उसमें आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा। घर में बड़े सदस्यों का सहयोग मिलने वाला है, लेकिन चूंकि आपके सेकंड हाउस में केतु विराजित है ऐसे में 22 तारीख से लेकर अगस्त के अंतिम तक आपको वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से सिंह राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के बीच में अपना पूर्ण रूपेण सकारात्मकता अर्जित करने के लिए समन्वय ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए। मन में इस विचारधारा को बनाकर चले कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी निर्मित ना होने पाए तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए। सिंह राशि वाले जातकों कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। आपके पंचम घर के स्वामी देवगुरु जो है वो आपके दशम घर में मंगल के साथ प्रभावी रहने वाले हैं और वर्तमान में जो आपकी राशि का नवम भाव है वो भी काफी प्रभावी बना हुआ है। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में मानसिक एकाग्रता जरूर मिलने वाली है। यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि आपका वर्चस्व कम बना हुआ है वर्तमान में परीक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता भी मिलने वाली है। देखिए क्या है कि सिंह राशि वाले जातक की समयावधि में जो विद्यार्थी हैं उनके मन में इच्छा शक्ति की वृद्धि होने वाली है, प्रसन्नता बढ़ने वाली है और इसकी वजह से यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपको अच्छा स्थिति मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों आपके राशि के प्रथम भाव में शुक्र की मौजूदगी बनी हुई 26 तारीख तक रहने वाली है। देखिए प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है प्रेम जीवन में आपको उत्साह विशेष रूप से मिलने वाला है। यदि आप इस समयावधि में घूमने फिरने की योजना चाह रहे हैं तो उसके लिए अवसर भी मिलने वाला है। भावनात्मक रूप से रिश्तों में चल रही उत्साह की अवस्था आपको प्रसन्नता देने वाली है। 26 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में प्रेम जीवन को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अगर वैवाहिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में चूंकि शनि देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं जो आपके वैवाहिक भाव यानी आपके सप्तम भाव में ही वक्री अवस्था में रहने वाले हैं ऐसे में जीवन साथी के प्रति आपका जो रुझान है उसमें आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है।
इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को वाणी पर कड़वे शब्दों का प्रयोग वाणी के द्वारा करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आपको अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखकर चलना है, यदि आप मान सम्मान पार्टनर को नहीं देते हैं या इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार यदि आप निर्मित करते हैं तो भी आपको जीवन में समस्या मिल सकती है। 16 तारीख को सूर्य देव जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य और शनि का सम सप्तक राजयोग बनने वाला है। ऐसे में आपको यहां पर विशेष समझदारी पूर्वक वैवाहिक जीवन में चलना होगा, क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं, जो अपने प्रबल शत्रु शनि के साथ आमने सामने रहेंगे। यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में आपको उतार चढ़ाव दे सकती है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 16 अगस्त तक सूर्यदेव जो है आपकी राशि के स्वामी द्वादश भाव में रहेंगे और राहु देव जो है वो आपके अष्टम घर में रहेंगे। इसलिए महीने के मध्य तक यानी 16 अगस्त तक आपको सेहत के मामले में उतार चढ़ाव मिल सकता है। आंखों से संबंधित समस्या, पेट में गर्मी बढ़ना, साथ में आलस्य, काम में मन नहीं लगना और मानसिक रूप से छोटी मोटी बातों को लेकर व्यथा की चिंता सिंह राशि वाले जातक कर सकते हैं। उसके पश्चात जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि में 16 अगस्त को आएंगे तो यहां पर आपके मन में भी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और शारीरिक रूप से भी आपको बीमारियों से निजात मिलेगा, आपका मनोबल भी अच्छा रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सूर्योदय के समय यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जलाभिषेक करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। माता पिता गुरुजनों के साथ अपने संबंध को यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी संभावना आपके लिए बेहतर बनने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।